आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। अभी मजबूत है, यहाँ दो तीन स्पीड ब्रेकर हैं, यहाँ वहाँ छोटे मोटे धक्के मिलते रहते हैं, पर हम मजबूत हैं, हम एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए, बिहार के बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी अपने लक्षण के हिसाब से वो बिहार के राजनीति में इंटरेस्ट ज्यादा लेने लगी और भाजपा सत्ता के लिए इतना व्याकुल थी, इतना लार टपक रहा था कि वो षड्यंत्र करना शुरू कर दी। अब तो आने दीजिए, इस्तीफा होगा तब बात सामने खुल करके आएगी।
इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। अभी मजबूत है, यहाँ दो तीन स्पीड ब्रेकर हैं, यहाँ वहाँ छोटे मोटे धक्के मिलते रहते हैं, पर हम मजबूत हैं, हम एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ बिल्कुल सारी पार्टियाँ, डीएमके, एनसीपी, टीएमसी, सारी समाजवादी पार्टी, सब एकजुट होकर हम लड़ेंगे।